आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज अलीगंज स्थित प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र में अधिकारी कर्मचारी व प्रशिक्षण अधिकारियों ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इससे पूर्व संस्थान के निदेशक डीके सिंह व सहायक निदेशक मीना चौबे ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षण अधिकारी बी एन श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर अच्छे कार्य करने वाले सभी प्रशिक्षण अधिकारियों को निदेशक द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में रवि श्रीवास्तव, हिमांशु यादव, सागर सक्सेना, राजेश सिंह, माधवी कंचन, स्तुति कश्यप, सुरभि अग्रवाल व भूमि सिंह सहित कई लोगों ने गुरु और शिष्य के आचरण और व्यवहार पर अपने अपने विचार रखे। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, शिक्षक दिवस में आज कार्यक्रम हुआ। सभी शिक्षकों ने जो कार्य किए थे और वो आज के नहीं, आज से पहले जो उन्होंने जो योगदान दिया था उसी में शिक्षक आज सम्मानित किए गए और सभी शिक्षकों को सर्टिफिकेट दिया गया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश हैं कि शिक्षक दिवस के साथ साथ हमें 30 तारीख तक कार्यक्रम करते रहने हैं। 6 तारीख को भी प्रधानमंत्री जी के जो निर्देश हैं उसके अनुसार से कार्यक्रम होंगे। 7 तारीख को विकलांग जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए कार्यक्रम होंगे और 30 तारीख तक शिक्षक दिवस के कार्यक्रम चलते रहेंगे। और किस प्रकार से हमें इनोवेटिव चीज़ें करनी हैं इससे बच्चों को, पहला हमारा बैच ख़त्म हुआ है और नए बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं, इसलिए आज शिक्षक थे। और जैसे ही नए बच्चे हमारे एडमिशन ले लेंगे, आज से ही हमारे यहाँ बच्चों के एडमिशन की लास्ट डेट है, कंप्लीट हो जाएगी, फिर प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरा जो सोचना है वो ये है कि एक टीचर को या एक सिखाने वाले को अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता होती है। अगर वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, यानी इंट्रोस्पेक्शन, अपने भीतर झांकने की बहुत ज़रूरत होती है एक टीचर को, अपने में सुधार लाने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर उसमें कोई कमी है तो वो उसे, ये उसकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उसे दूर करे। और फिर क्योंकि टीचर का जो, देखिए दो तरीके से आप जानते ही हैं कि जो ज्ञान होता है वो कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, आप बोल के ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक ज्ञान जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है आपके व्यवहार से, आपके वाइब्रेशन से। अब अंदर तो कोई वाइब्रेशन है नहीं, क्योंकि अंदर से तो मान लीजिए कि मक्का टाइप के हैं, तो बच्चे को कैसे सिखा पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते रहें कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ये सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। और वो सिर्फ मैं एक शिक्षक के लिए बोलना चाहूँगी और अपने ऊपर भी उस चीज़ को लागू करना चाहूँगी कि हमें शिक्षक के तौर पे हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा सा है ये चीज़ हिमांशु सर की बात से मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुई कि हमें हर, यहाँ पे जितने भी हमारे ट्रेनिंग्स आए हमें एक जैसे ही उनको देखना है। वो किसी ट्रेड के नहीं है, वो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, सारे बच्चे हमारे लिए एज ए ट्रेनिंग्स हैं और हम उनसे हर तरीके से उनका कोऑपरेशन करें, कोऑपरेट करें उनको किसी भी चीज़ में। किसी को कभी ये ना कहें कि ये हमारे ट्रेड के हैं, ये हमारे ट्रेड के नहीं हैं। अगर हमारा मानक है स्मार्ट क्लास, तो मैं उसको और अच्छे तरीके से ले जाना चाहती हूँ कि अगर मैं एबसेंट भी हूँ तो मेरा बच्चा, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बना दूँ कि उसको वो लेक्चर सेम डे का मिल जाए। और मैं अपने संस्थान के हित में एजुकेशन की क्वालिटी कंट्रोल के लिए काम करूँ। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का एकमात्र संचालित वर्तमान में CTI इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत 2014 में हुई
विभाग के सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टर जनरल श्री अग्रवाल साहब आए थे और उन्होंने इस संस्थान को विजिट किया और सभी के सहयोग से इस संस्थान को उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये हमने सारे ऑल इंडिया अपने CTI इंस्टीट्यूट देखे हैं, सभी विजिट किया है, उसमें से CITS लखनऊ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया और दो सेंटर हमें नए जो है बिना हमारे अज्ञानता के काले बादल हटाकर बच्चों में ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं, जो सत्य मार्ग पर चलना सिखाते हैं वही असली शिक्षक कहलाते हैं। अंत में चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। सुंदर सुर सजाने को साज बनाती हूँ, नौसिखिए परिंदों को बास बनाती हूँ, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाती हूँ। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।